इसका जो फिल करने वाला है मसाला हम बना लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम ये हरी मिर्च, क्योंकि वो तड़का गर्म हो चुका है। हरी मिर्च, थोड़ा सा गया जीरा, और मैं यहाँ सब्जियाँ यूज कर रही हूँ। ये है शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, दो मीडियम आलू हैं, और ये हरी धनिया है। और मसाले भी मैं कुछ यूज करूँगी, जिसमें ये थोड़ा सा गरम मसाला, और ये एक चम्मच इतना मैं डाल लूँगी ये धनिया पाउडर। ये गया हमारा शिमला मिर्च। आप अगर मटर हो आपके पास तो मटर भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पक गया, अब इसमें हम मसाला डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ये जो हमारा आलू है थोड़ा हम इसको मैश कर लेंगे, फिर डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा ये एकदम रेडी है मसाला। ये देखिए इसमें हम हरी पत्ती डाल देंगे, हरी धनिया का पत्ता है ये, और फिर ये थोड़ा सा मिलाएंगे, और ये हमारा एकदम बन गया है, एकदम रेडी। हम इसको बंद कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रध्या की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज कटलेट। कटलेट बनाने के लिए हमको सबसे पहले ये ब्रेड लेना है। ये मैंने ब्रेड लिया है, इसको तोड़ लिया है, और कसूरी मेथी लिया है मैंने। ये मैंने बेसन बना लिया है, ठंडा कर लिया है बना के, और ये जो है मैंने लिया है चने का बेसन, और ये मैदा लिया है मैंने थोड़ा सा। अगर आप जो है नॉन वेज खाते हैं तो आप अंडे का सेवन भी कर सकते हैं बेसन के स्थान पे। अब मैं इसको ब्रेड को अच्छे से पीस लूँगी। ये हमारा ब्रेड पिस गया है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हम एक बर्तन में इसको निकाल लेंगे। अगर आप जो है कॉर्नफ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ ब्रेड का यूज़ करूँगी। ऑर्गेनो सीड्स लिया है, इसको मैं थोड़ा सा एक चुटकी भर इसमें डालूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें ये जो हमारा मैदा है इसमें डाल देंगे, और मैं थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन हम इतना लेंगे, और इसी में से एक चुटकी भर इसमें डालूँगी, और एक चुटकी इसमें, और एक चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ब्रेड के उसमें डाल दूँगी। अब मैंने लिया है नमक, नमक मैं ज़रा सा इसमें डालूँगी, एक चुटकी से थोड़ा ज़्यादा, और इसमें भी उतना ही थोड़ा सा ब्रेड में डाल दूँगी। मैंने एक कसूरी मेथी भी लिया है, कसूरी मेथी को मैं इस जो घोल बनाऊँगी इसमें, और इसमें मैंने डाल दिया है। अब मैं इस घोल को तैयार कर लूँगी, ये जो मैं रखी हूँ बेसन का, अच्छे से मिला लेंगे। एकदम ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला होना चाहिए। इसको भी हम अच्छे से एकदम मिक्स कर लेंगे, जो नमक, अजवाइन, ऑर्गेनो सीड्स मैंने डाला है इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास अजवाइन की पत्ती हो तो उसको आप डालिए, अजवाइन को आप स्किप कर दीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसका। तो मैंने इसमें, मेरे पास वो उसकी पत्तियां नहीं थी, सीड्स था, इसलिए मैंने सीड्स यूज़ किया है। और इसमें भी आप इसको भी थोड़ा मिला लीजिए, क्योंकि इसमें भी नमक वगैरह, ऑर्गेनो सीड्स थोड़ा थोड़ा सब पड़ा है, तो इसको भी मिला लीजिए आप। ये जो पत्तियां बची थी थोड़ा सा वो मैंने डाल दिया है इसमें कसूरी मेथी की। और अब हम
ये हमने जो ये तैयार करके रखे हैं ये आप अपने मनपसंद आकार में बना लीजिए। मैंने इसको इस आकार में लिया है और मैं इसे ये कटलेट का आकार दूंगी। आप इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसे आज इस शेप में बनाने जा रही हूँ। इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे कटलेट बना के रेडी कर लिए। अब इसको मैंने जो ये सूखा मैदा लिया है अब मैं इसमें जो है इसको पूरा अच्छे से कोट करूँगी। और इसमें अच्छे से कोट करने के बाद मैं ये जो बेसन का घोल रखी हूँ इसमें लगाऊंगी। अगर आपको डबल कोटिंग चाहिए तो आप एक बार मैदे में और ऐड कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ सिंगल कोट ही कर रही हूँ इसलिए मैं एक ही कोटिंग करूँगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये हमारा कटलेट रेडी है। हमारा तेल मैंने तेल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है। ये तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें मैं ये कटलेट डाल दूंगी। इसको हमको तलने में टाइम नहीं लगता, ये फटाफट, क्योंकि ये हमने जो इसमें फिल किया है आलू का और ये सब मसाले डाल के ये तो ऑलरेडी ही पका रहता है और ब्रेड को तलने में ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगता है। ये देखिए हमारा ये कटलेट एकदम बन के रेडी है। मैं पहले सारे कटलेट को एक में कर लूँगी फिर तल के आपको दिखाती हूँ। ये हमारा कटलेट एकदम बस बन के तैयार ही होने वाला है। तो इस तरह से हम कटलेटों को तल लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये मेरा वेज कटलेट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को देखने के लिए प्रध्या की रसोई को सब्सक्राइब करिए और इसको तरह तरह पकवान खाने के लिए मेरे वीडियो को शेयर भी करिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इसका मज़ा ले सकें। और ये वेज कटलेट मैंने बहुत ही कम समय में और काफ़ी कम चीज़ों से मिलाकर बनाया है। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।